हेलो गाइस, आज मथुरा वृंदावन कंप्लीट करके अब मैं आपको ले चलता हूँ गोकुल। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं मथुरा वृंदावन से और ये हम चल रहे हैं हाईवे पे और यह मौसम काफ़ी अच्छा है। और आज मैं आपको ले चलता हूँ चंद्रावती माता का मंदिर, जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा उसके बारे में। राधा रानी की 8 सखियाँ थी, उनमें से एक सखी थी चंद्रावती माता, जो बहुत प्रिय थी। ये उनका मंदिर है गोकुल से 8 किलोमीटर। भाइयों, अब हम जा रहे हैं NH2 हाईवे पे। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गोकुल बैराज। ये ब्रिज है यमुना मैया का, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, शायद आपको दिखाई दे। वहां सामने है गोकुल। यमुना मैया भी है। दोस्तों, रास्ता देखिए कितना सुंदर रास्ता है। तो मैं आपको अभी ले चलता हूँ चंद्रावती माता के मंदिर, जो मंदिर वहाँ माता खुले में बैठी हुई है। वहाँ मंदिर वंदिर कुछ नहीं बना हुआ है, और कई बार वहाँ मंदिर बनाया भी गया है लेकिन माता अपना मंदिर बनने नहीं देती है, वो खुले में ही रहती हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं जो राधा रानी की 8 सखियां थी, उनमें से थी एक चंद्रावती माता, जो उनका मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, ये माता खुले में बैठी हैं, इनका मंदिर नहीं बना है। हम अब पहुंच चुके हैं भाइयों राधा रानी के जन्म स्थान पे, रावल धाम। रावल धाम, इस जगह का नाम है रावण धाम। रावल, रावल धाम। दोस्तों, यह है राधा रानी का जन्म स्थान। यह राधा रानी का जन्म हुआ था, बरसाने में पली और बड़ी थी, वो बड़ी हुई थी। राधे राधे। यहाँ सब प्रसाद मिलता है, यहाँ से सब प्रसाद ले सकते हैं। टोटल 30 हो गए। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो।
दोस्तों हम राधा रानी के जन्म स्थल से आप आ चुके हैं गोकुल गोकुल धाम गोकुल धाम। चलो दोस्तों ये वो जगह है जो नंद बाबा कृष्ण जी को लेके आए थे यमुना नदी पार की थी। कृष्ण जी के मंदिर में आप जाएंगे आपको दर्शन कराएंगे। नंद बाबा का मुख्य मंदिर है 5000 वर्ष का जगह गोपाल जी का मुख्य मंदिर है 5000 साल पुराना। अरे बोलने में क्या यार ये वो जगह है जो कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा था। यहाँ नंद बाबा कृष्ण जी को लेके आए थे उनका मंदिर है। एक कृष्ण जी का मेन मुख्य मंदिर है जो कृष्ण जी बाल स्वरूप में थे। ये गोकुल का मुख्य मंदिर है। दोस्तों आए हम वासुदेव द्वार 84 खम्मा। ना बेटा ना है ना बेटा बाबू कुछ ये हमारे 84 खम्बा ये 84 खम्भे हैं। ये 84 खम्भे इंद्रदेव ने लगाए थे। आज तक इनको कोई पूरा नहीं गिन पाया है। या तो कभी कम होते हैं या कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज तक 84 कोई नहीं गिन पाया है। और ये 4 खम्भे हैं जो ब्रह्मा जी ने लगाए थे, मंडप की तरह बने हुए हैं, जो हैं 4 युग के, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग।
84 खंबे ये वो ओखल है जो यशोदा मैया कान्हा जी को मक्खन निकाल के खिलाती थी। आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। ये 84 खंभा में महादेव जी का मंदिर है। जब महादेव जी आए थे गोपाल जी के बाल रूप दर्शन करने के लिए। सामने बैठे हैं नंदी जी महाराज। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ओखल बंधन या यशोदा मैया कृष्ण भगवान को ओखल से बांधती थी। ये ब्रज का स्टार्टिंग पॉइंट नाभि केंद्र जो प्राणनाथ रहते हैं यहाँ सूक्ष्म में, यहाँ से ब्रज की शुरुआत हुई थी। यहाँ जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में आते हैं ब्रज की शुरुआत यहाँ से करते हैं, उनको भक्ति मिल जाती है। मिस गाइड करने वालों से बचना पड़ेगा। ये ओखल बंधन है जो कृष्ण को बांधा, ये कश्यप मुनि थे और ये नीचे जा रहे हैं स्वयं से। और ये कृष्ण का चरणारविंद है जो ब्रह्मा शंकर को भी नागरणी पड़ी और यहाँ इसलिए इसको चिंपल भी रखा है। फिर चोरों का भी यहाँ मन नहीं लग सकता है। ये सोने का मंदिर हो तो सभी स्पेशल आएंगे, एडमिशन कराएंगे, मन लगाएंगे, सत्य को छुपा के और सूक्ष्म में रखा गया है। यहाँ से ब्रज का स्टार्टिंग गोकुल दामोदर कृष्ण ओखल बंधन है और यहाँ स्पेशल आने से भक्ति मिल जाती है। ये बचना पड़ेगा रास्ते में जो डुप्लीकेट भगवान बैठे हैं उनसे। ऊपर हाथ करो, बोल दो हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, इसलिए हम आए हैं। दोबारा आने का अवसर भी खास तरीके से बोलो। परिचय और ये आश्रम में मैं कोई पंडा पुजारी नहीं हूँ और यहाँ तुमसे मिलने खड़ा हूँ। तुम तो मुझे जानते नहीं हो मगर तुम फोटो वाले किसी को जानते हो। अब मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद।